आगे बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र से बड़ी खबर। महाविकास आघाड़ी की आपात बैठक भी खत्म हो गई है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। शिवाजी महाराज के पुतले का भी मुद्दा यहां पर गर्माता हुआ नजर आया। और आपको बता दें 1 अक्टूबर को मुंबई में एमवीए आंदोलन करेगी। तो इस बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर भी यहां पर चर्चा की गई। तो महाविकास आघाड़ी की यह आपात बैठक अब खत्म हो गई है और सबसे बड़ा मसला सीट शेयरिंग को लेकर था कि आखिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। तो तीनों ही राजनीतिक दलों के प्रमुख यहां मौजूद थे। इंद्रजीत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। इंद्रजीत, इस वक्त तो अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा, क्या बात बनी है और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? पूजा, बिल्कुल सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई क्योंकि तीनों पार्टियों के जब बड़े नेता मौजूद थे तो निश्चित तौर पे किस तरह से सीट शेयरिंग का मुद्दा जल्द से जल्द सुलझाया जाए, इस मुद्दे पर बात हुई। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि किस तरह से कौन से मुद्दे को तीनों पार्टियां एक साथ लेकर जाएं। और इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जिस तरह से गिरा है, कहीं ना कहीं जो महाविकास आघाड़ी है उसको एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। तो ये भी चर्चा हुई कि किस तरह से इस मुद्दे को लेकर आगे जाया जाए। देखिए कि आज महाविकास आघाड़ी के नेता किले पर गए हैं जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी थी, वहां पर आदित्य ठाकरे, इसके अलावा कांग्रेस से विजय बटट्टीवार, एनसीपी शरद पवार गुट से जयंत पाटिल तीनों गए थे। और वहां पर जो दोनों तरफ के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हों या उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ता हों, आमने सामने आ गए थे। करीब 2 घंटे तक आदित्य ठाकरे वहां पर रुके रहे। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को महाविकास आघाड़ी बड़ा करने वाली है। यही कारण है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तीनों पार्टियों की, तो इसमें यह बताया गया कि जिस तरह से शिवाजी का पुतला गिरा है, 8 महीने में गिरा है, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस ने तो एक बाकायदा भ्रष्टाचार को लेकर वीडियो भी बनाया है जो सोशल मीडिया पर वो भेजेगी, और अभी कांग्रेस की तरफ से वो वीडियो भेजा भी गया है। इस बीच 1 सितंबर को तीनों पार्टियां जो हुतात्मा चौक है वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगी। और कहीं ना कहीं ये तय हुआ है कि जो छत्रपति शिवाजी का मुद्दा है इसको महाविकास आघाड़ी बड़ा बनाएगी। और इसमें एक तरह से मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार महाविकास आघाड़ी कर रही है और ये कह रही है कि इसमें बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। और चूंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में लोग देवता मानते हैं, इसलिए इस मुद्दे से बहुत सारे लोगों का अटैचमेंट है। यही कारण है कि इस मुद्दे को लेकर महाविकास आघाड़ी आगे तक जाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि ये 8 महीने में पुतला कैसे गिरा। चलिए ठीक है इंद्रजीत, आप लगातार बने रहिएगा। तो लगातार यहाँ पर भी सियासी हलचल मुद्दों के जरिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के जरिए लगातार देखने को मिल रही है।